नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। हरि नाम कीर्तन एवं भगवत गीता का कार्यक्रम आज सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में आयोजित किया गया। IMA हॉल के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय पाल यादव द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद रहे। अधिक जानकारी देते हुए नर्मदा जीवनदास द्वारा बताया गया है कि इस्कॉन गोवर्धन की तरफ से महाराज जी को बुलाया गया है। अलवर की जनता में भगवान के नाम से रुचि बढ़े, भगवान में विश्वास बढ़े, जो हम सनातन धर्म भूल चुके हैं उसे हम दोबारा अपनाएं। जब तक हम भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं हिंदू धर्म क्या है, हम क्यों एक हिंदू हैं, इस्कॉन द्वारा अलवर की जनता को बताया गया। इस्कॉन प्रचार कर रहा है अलवर में भगवत गीता को अपने जीवन में लाएं। हमारे अध्यक्ष पद पर आसीन हुए सम्मान्य श्री योगेश मिश्रा जी भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जोरदार मॉडर्न डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इस शर्मा जी और जगराम पहलवान जी, मिशन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर भाई जगराम पहलवान जी और हमारे युवा ब्राह्मण सभा की सारी टीम ने जो आज यहाँ गौशाला में बुलाकर मुझे गऊओं को चारा खिलवाया, मुझसे भगवान के चरणों में ढोक दिलवाई और मेरा मान सम्मान किया, स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं मिशन डिफेंस एकेडमी की सारे परिवार को और युवा ब्राह्मण टीम को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद देकर, हमारे पार्टी के आला कमान ने आशीर्वाद देकर, सम्मान्य टीका राम जूली जी ने और हमारे सारे विधायकों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरे प्रयास ये रहेंगे कि मैं सारे भेदभाव खत्म करके सबको एक साथ लेकर चलूं और हम सब एक परिवार की तरह रहें और कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस पार्टी जिले के 11 विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा में जाए और 2024 में पार्लियामेंट और जितेंद्र सिंह जी अलवर से पार्लियामेंट चुनाव जीतकर MP बने और लोकसभा में जाए। पार्टी के लिए आगे की